तो अभी हम लोग राजा बाजार में हैं। तो एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत दिनों से इनके बारे में हम लोग ढूंढ रहे थे और आज हम लोग को मौका लगा है कि यहाँ पे आए और कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे आखिर है क्या यहाँ पे ऐसा जुरा के बारे में इतना हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये लोकेशन भी रिलायंस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में मिरर नंबर 17 के पास। तो यहाँ का ये कॉन्सेप्ट आजकल बच्चा में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि स्ट्रीट फूड जो इतना भी है वो बहुत अच्छे क्वालिटी में आप लोगों को अच्छा खाना और अच्छे आइटम सब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग आए हैं जिसका नाम है 5 स्टार चिकन और जैसा नाम है वैसा ये लोग का रेट भी वैसा ही है कि 5 स्टार 5 स्टार से कम नहीं है यहाँ पे। इतने के ऑनर में यहाँ पे क्या है कैसा क्या कॉन्सेप्ट मिला है आप लोग को और यहाँ पे रिव्यू भी देते हैं और हम लोग आपको कुछ टेस्ट भी बताते हैं। वैसे महक तो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जल्दी पहले खाते हैं। नाम जैसे बैठ हम लोग 3 आदमी बैठे हुए थे क्या नाम रखना चाहिए क्या नाम रखना चाहिए ऐसा ही दिमाग में आया कि भैया 5 स्टार चिकन होना चाहिए या जो भी रोल खा के जाए यहाँ से तो लगे कि 5 स्टार खा करा रहे हैं। तो हम लोग कुछ यहाँ पे कस्टमर से रिव्यू लेते हैं कि क्या उन लोग को कैसा लगता है यहाँ पे आके। तो आपका नाम बताइए। हाय श्वेत मणि। अच्छा तो आप यहाँ पे रेगुलर आते हो क्या? जी हाँ मेरा यहाँ आए हुए अभी 5-6 बार हो चुका है। अच्छा तो कैसा क्या है यहाँ पे कैसा लगा आपको? यहाँ बहुत अच्छा रोल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं और इनका कबाब बहुत जूसी रहता है। अच्छा और ये बहुत रेयरली यहाँ पटना में मिलता है कि जिनका पराठे भी अच्छा हो और फीलिंग भी अच्छा हो। अच्छा बाहर आप कहीं भी खाए हो वहाँ में और यहाँ में क्या क्वालिटी का क्या है कितना का बात कर रहे हैं? हाँ पटना में यहाँ पे वही दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे हाइजीन भी मेंटेन है फिर इनका स्पाइसेस वगैरह बहुत ही लोग हिसाब से डालते हैं और जूसी चिकन तो इनका खैर इतना ज़्यादा है कि बहुत अच्छा बहुत ही थैंक यू। तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं 5 स्टार स्पेशल टिक्का जो इन्होंने नाम दिया है इसको। तो थोड़ा दिखाइए आप में। तो ये खाने में हम लोग अभी टिक्का ट्राई करते हैं कि कहता है बाकी डॉक्स लग रहा है। टेस्ट की बात करें तो काफ़ी डॉक्स है और मसाला भी ज़्यादा नहीं है और बाकी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक हम लोग मलाई यूज़ कर रहे हैं मलाई टिक्का ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऐसे। वाकई मलाई टिक्का का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मतलब ये होता है मतलब ज़्यादा मसालेदार होना वो बिल्कुल नहीं है और जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। और बाकी ये जो हरियाली इसको हम लोग हरियाली तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा लोग खाते हैं इस वजह से इनका कॉन्सेप्ट है लोग यहाँ पर लाए होंगे। तो खा के देखते हैं ये भी हल्की नहीं मतलब थोड़ी हरी हरी चटनी का थोड़ा स्वाद आ रहा है बाकी तो अच्छा है थे। जैसे मैंने खा लेते पूरा ज़्यादा बड़ा है और ये पहले आप लोग देखिए बिल्कुल मतलब स्पाइसी तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन बार खा के आप लोगों को बताते हैं कैसा है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। तो एक तो सबसे बेहतरीन ये बात है कि इतना बड़ा टाइम आपको कहीं मिलेगा नहीं देखने को और जो इसका तेज है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले खाते हैं और इसका प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ है और दोनों कॉम्बो है ये
है, तो बाकी मेन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आना और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा है। और यहाँ पे आप लोग एक बार टेस्ट करके देखना, अगर अच्छा नहीं हुआ तब आप लोग वीडियो में जो बोलना कमेंट कर देना, लेकिन आप लोग पहले यहाँ पे आके देखो कितना अच्छा मतलब आइटम है यहाँ पे। तो पहले खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आ रहा है, तो पहले खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, इसका जो ये रोटी है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि ना अंदर गया तो पूरा मेल्ट हो गया, पता ही नहीं चला कि गया तो गया था। ये क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो मैंने हम पूरा खा लेते हैं। यार बहुत ज़्यादा तो हम लोग खाते हैं, बाकी हम लोग वीडियो अगर यहाँ तो देख लिए हो तो लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।